बुलेटिन में होगी। असर दिखना शुरू हो चुका है, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है और लहरें इस वक्त उफान पर हैं। खड़े रहना मुश्किल हो पा रहा है, नहीं मैं कैमरे के सामने देख पा रहा हूँ। लगातार तेज बारिश यहाँ पर इस इलाकों में, खासतौर पर ये आखिरी छोर है। ये जो लहरें आप देख रही हैं, ये करीब 30 से 40 फीट आगे की तरफ आ गई हैं। मुंबई में भी खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जो आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त हलचल जो है इस वक्त यहाँ पर समुद्र में हो रही है। 40,000 से ज्यादा लोगों को खाली कराया गया है। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। तो ग्राउंड जीरो से महातूफान की हर एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम आप तक पहुंचा रही है। महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि अरब सागर में सबसे बड़े तूफान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तूफान के आने में करीब 20 घंटे ही रह गए हैं। लेकिन अपनी दस्तक से 24 घंटे पहले इस महातूफान ने जो ट्रेलर दिखाया वो यकीनन हैरान करने वाला है। तूफानी ट्रेलर और हवा के प्रचंड रंग के बीच आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लगातार अब खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो हर तस्वीरों में पहुंचाएगा, सामने जीरो विजिबिलिटी है, जो है काफी तेज है और जो तूफान का असर है वो अब देखना शुरू हो चुका है। हवा बहुत तेज चल रही है और हवा की वजह से आसपास जरा यहाँ समुद्र की ये लहरें देखी। तूफान के पहले का आखिरी ट्रेलर तो हम लोग यहाँ पर मौजूद है, खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में हम भी सावधानी बरतते हुए। देखा बवंडर, हिल उठा समंदर, पहना मुश्किल हो जा रहा है। बारिश आती है, रुक जाती है। ये तूफान की पहली मुंह दिखाई है। समंदर के किनारे वाले इलाके तूफान की आहट भर से सहम उठे। हवाओं का वेग ऐसा कि इंसानी कदम तक टिक न पाए। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और यहाँ लिटरली खराब रह पाना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर 37,000 से ज्यादा, गुजरात की बात करूँ, 37,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। जो लोग नहीं निकले घरों से वो इस तस्वीर को देख ले, इस मंजर को देख ले कि अब ये साइक्लोन हिट नहीं हुआ, साइक्लोन हिट होगा तब क्या स्थिति होगी। तूफान से 24 घंटे पहले की ये रिपोर्ट, जब गुजरात के समंदर के किनारे ऐसा बवंडर उठा कि लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समंदर की लहरें खुद में सब कुछ संभाल लेने के लिए मचल उठी। सुबह से खतरनाक रूप लेती जा रही हैं, करीब 60 से 70 फीट की दूरी पर ये आगे लगातार बढ़ रही हैं। हमने सुबह से ये ट्रेंड नोटिस किया है, क्योंकि हम कल से वहाँ बीच में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम उस तरफ जाके ये रिपोर्टिंग कर। ये देखिए पानी, देखिए कहाँ आ रहा है। ये जो अस्थायी शॉप्स हैं यहाँ पर, करीब 500 ऐसी दुकानें हैं, वहाँ तक पानी पहुँच जा रहा है। तूफान से पहले जब ट्रेलर इतना विनाशकारी है, तो अंदाजा लगाइए जब तूफान समंदर को चीरता हुआ इन किनारों के दायरों को पार करेगा तो हालात क्या होंगे। तूफान के जो शुरुआती तेवर और अंदाज कैमरे में कैद हुए वो शुभ संकेत नहीं दे रहे। असर है वो अब देखना शुरू हो चुका है, क्योंकि तूफान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है। कल यहाँ पर ये तूफान दस्तक देगा पीपर जॉय, जिसमें हवा की जो गति होगी वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। आगे हम आपको दिखाएंगे, इस तरफ से अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, आप देखेंगे कि जो समंदर का पानी का रंग है वो तो बदल चुका है, लहरें उफान पर है। ये गुजरात के द्वारकाधीश की तस्वीरें, समंदर किनारे का ये इलाका तूफान से ठीक 24 घंटे पहले कैसे बदल गया वो देख लीजिए। दुकानों की छतें उड़ गई, समंदर के बाहर निकाली गई बोट्स पेड़ के पत्तों की तरह बिखर गई।
तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से तूफान बेपरजॉय का यहाँ पर असर दिखना शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दुकानों की छत पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ वीरान हो गया है। यहाँ पर सब कुछ टूट फूट गया है। कोई भी दुकानदार नहीं है, क्योंकि कच्ची दुकानें थी जिनकी छत अब उड़ चुकी है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये गोमती घाट है और यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी बोट्स हैं उसमें भी अभी उनके चालक नहीं है, क्योंकि बोट को भी यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि बोट्स भी डूब ना जाए। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर आमतौर पर कभी दो ध्वज नहीं लगाए जाते, लेकिन प्राकृतिक आपदा से पहले मंदिर के शिखर पर फिलहाल दो ध्वज लहरा रहे हैं, जिसे लेकर मान्यता है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब सामने किसी बड़े संकट की आशंका हो। भूमि द्वारका में और मेरे ठीक पीछे है द्वारकाधीश मंदिर, जहां पर देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चार धामों में से एक है और आप देखेंगे कि यहां पर दो ध्वज लगाए गए हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि जब भी द्वारकाधीश में दो ध्वज लगाए जाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा भी रुक जाती है और भगवान द्वारकाधीश इस आपदा को रोक लेते हैं। ऐसे में क्योंकि तूफान बेपरजॉय का खतरा बना हुआ है, कल यहाँ पर देवभूमि द्वारका में दस्तक देगा और इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है, यानी कि जनहानि हो सकती है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर ये ध्वज लगाए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे जो लोग द्वारका पहले आए हुए हैं, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। श्रद्धालु आते हैं, घंटों की लाइन होती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि खाली है यहाँ पर ये जगह। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है इस महातूफान के टकराने से और जो भयावह तस्वीर नजर निकल कर सामने आएगी, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक हर वो तस्वीर पहुंचा भी रहे हैं। बिल्कुल, चक्रवाती तूफान को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है युद्ध स्तर पर, क्योंकि आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ आर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर तैयारियां पुख्ता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और यहाँ पर यकीन मानिए कि अब जो हवा की रफ्तार है वो काफी ज्यादा हो गई है। बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे लहरें उफान पर है। जिस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी गति में बिल्कुल भी बदलाव नहीं देखने को मिला है, तूफान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है। कल दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब तूफान यहाँ पर टकराएगा। गुजरात में 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लहरें सब कुछ चीर देने पर आमादा है और यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो देवभूमि है, ये जो जिला है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में जो हवा की गति है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि रफ्तार ज्यादा हो चुकी है। आप ये समझिए कि ये ट्रेलर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जब कल ये दस्तक देने वाला है तो अभी हवा की रफ्तार एक जो कल रहेगी वो 130 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अगर आप देखेंगे क्योंकि ये जो वो इलाका है जिसको हम द्वारका चौपाटी कहते हैं और यहाँ पर अब लहरें बिल्कुल उफान पर है, समुद्र में हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, ये बड़ा बड़ा यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से ये बोर्ड हिल रहा है कि हवा का रुख इस वक्त क्या है और सब कुछ हवा की गति पर निर्भर भी करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो हवाएं चल रही है वो सब कुछ ली लेने पर आमादा है, क्योंकि ये जो बेपरजॉय तूफान है ये सबसे खतरनाक श्रेणी में इसको रखा गया है और अभी तक गुजरात के इतिहास में जितने भी तूफान आए हैं इसमें ये चौथा बड़ा तूफान और इस वक्त यहाँ पर बेहद मुश्किल है, क्योंकि हवा सीधे है और लगातार बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल भी भारी बारिश यहाँ पर होगी। समंदर में उठी ऊंची लहरें, पोरबंदर से मुंबई तक हाई टाइड का अलर्ट, कच्छ से कराची तक महातूफान का कहर। जिस स्पीड से महातूफान बेपरजॉय आगे बढ़ रहा है उससे खतरा भी पल पल पास आता जा रहा है और आने वाले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक ये महातूफान कल शाम तक गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। तूफान
गगनजॉय कल द्वारका में दस्तक देगा, उससे पहले आप देख सकते हैं इसका असर शुरू हो चुका है। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, लहरें आप देख सकते हैं उफान पर है, और यहाँ पर जो समंदर के पानी का रंग है वो भी बिल्कुल काला हो चुका है, रंग बदल चुका है। यहाँ पर एडवाइजरी है, यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे डेंजर लिखा हुआ है, डू नॉट गो डाउन इन टू द डीप वाटर बिलो, नीचे नहीं जा सकते हैं। और फिर भी एकदम टूरिस्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि ये पर्यटक नगरी भी है, देवभूमि है, ऐसे में लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। महातूफान की वजह से गुजरात के पोरबंदर, द्वारका, कच्छ में एक जैसे हालात बने हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये लहरें सब कुछ तोड़ने पर आमादा। प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए, और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है, जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है, और साथ में ही तेज तूफान जिस दृश्य से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ, हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। आम दिनों में ये लहरें शांत होती हैं, लेकिन महातूफान का असर ऐसा है कि इन लहरों ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है, और अगले 24 घंटे में और भी ऊंची ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया जा रहा है। पोरबंदर का चौपाटी इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि चौपाटी के जो वॉकवे है उसमें भी पानी आ गया है, समुन्दर से अंदर से पत्थर बाहर निकल के आ गया है, तो ये पूरा अभी असर ही दिखने को मिल रही है। जब भी नजदीक आएगा तो क्या माहौल होगा, किस तरह का नुकसान करेगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कच्छ के जख्खो बंदर पे हिट होने की संभावना जताई है। अभी भी मॉनिटरिंग चल रहा है मौसम विभाग का, और कल तक हमारे लिए गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ संकट बना हुआ है। सिर्फ गुजरात के शहर ही नहीं, मुंबई में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली, जिसकी वजह से समंदर का पानी सड़क पर आ गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी चक्रवाती तूफान का असर होने का अनुमान जताया है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये गेटवे ऑफ इंडिया है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हाई टाइड के चलते जबरदस्त हलचल इस वक्त समुद्र में मची हुई है। देखिए बड़ी बड़ी जो लहरें हैं अब उठनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीएमसी ने जो अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक 9:32 से ये लहरें उठनी शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि जब वो चक्रवात टकराएगा और धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसका असर मुंबई, थाने और पालघर के जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्री इलाके हैं, वहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए तस्वीरें वो साफ तौर पर नजर भी आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह का हाई टाइड है और जिस तरह से चक्रवात लगातार तेज रफ्तार के साथ गुजरात में जहां टकराने वाला है उस तरफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मुंबई के समुद्र में भी आपको इसी तरह की हलचल देखने को मिलेगी। सिर्फ भारत ही नहीं, सीमा पर भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। वहां भी तेज हवाओं और समुद्री लहरों से लोग डरे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कराची में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। कराची में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। चक्रवाती तूफान कल शाम गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है, लिहाजा अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उससे इस महातूफान से तबाही की आशंका बनी हुई है। खास तौर से तटीय इलाकों के आसपास ज्यादा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। मौके पर मौजूद है, लोगों को कैंप में जाने के लिए कहा जा रहा है। जो तटीय इलाके हैं उससे सटे हुए गांव हैं, वहां के लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। सबसे ज्यादा असर द्वारका में, इसके अलावा कच्छ में देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बेपोर जो है तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में वहां तूफान की स्पीड और बढ़ सकती है, जिससे तटीय इलाकों में बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। और पूरे इलाके में
पिंगलेश्वर का इलाका, और यहाँ पर पूरे जो 300 लोग थे, जो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ से सारे लोग को रेस्क्यू कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर दिया गया है। और देखिए अभी मैं दिखाऊंगा कैसे तेज हवाएं चल रही है, इतनी खतरनाक तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है, मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर खड़े रह पाना कि कैसे किस यहाँ पे देखिए जिस हवाओं के साथ ये बारिश होती है तो ऐसे में रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया मौके पर है, यहाँ पर जगहों के पास आपको हर तस्वीर वो पहुँचाएगा। कच्छ समेत गुजरात के तमाम तटीय इलाकों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और हवा की स्पीड भी अनुमान से ज्यादा है और धीरे धीरे हालात खराब होते जा रहे हैं। जो समुद्र है उसमें करंट देखने को मिल रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिसको लेके समुद्र के अंदर करंट देखने को मिल रहा है, और खास करके बात करें तो इस करंट की वजह से काफी नुकसान भी शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन अमित शर्मा को मैं बोलूंगा कि वो एक विजुअल दिखाए जिसके अंदर आसपास जो बीच पे सारे जो चीजें बनी हुई थी जिसमें लोग बैठते थे एंजॉय करते थे वो सारी टूटने शुरुआत हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब नुकसान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी पोर जो है साइक्लोन जो है वो दूर है और उसकी असर जो है वो देखने को मिल रही है। हालात को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मोर्चा संभाले हुए हैं। गांधीनगर में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और महा तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। महा तूफान की तबाही को लेकर दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक सरकार अलर्ट है। हालात की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। गुजरात के तमाम तटीय इलाकों में NDRF और SDRF की टीम तैनात है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है क्योंकि